अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। अगर आप भी अपने हाथों और पाँव को वाइट करना चाहते हैं, ब्राइट करना चाहते हैं, सॉफ्ट और ब्यूटीफुल करना चाहते हैं, तो आज की वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपसे एक सिंपल सी रेमेडी शेयर करूँगी। ये रेमेडी स्पेशल हाउसवाइफ्स के लिए है जो बहुत ज़्यादा रेमेडीज़ वगैरह यूज़ नहीं कर सकती, मैनीक्योर पेडीक्योर नहीं करवा सकती, या घर पे खुद भी नहीं कर सकती, उनके पास टाइम नहीं होता, बच्चों की मसरूफियत होती है या घर के काम वगैरह होते हैं। तो आज की ये वीडियो उनके लिए है। ये एक टोनर आप बना के रख लें अपने पास। इसको स्टोर करने का तरीका भी मैं आपको बता दूंगी, आपको बार बार भी नहीं बनाना पड़ेगा। ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है हमारे हाथों पाँव के लिए, और इससे आपके हाथ पाँव वाइट होंगे, ब्राइट होंगे, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे। तो इसको बनाने का तरीका भी मैं आपको बताती हूँ, बहुत ज़्यादा आसान है। घर के नेचुरल इंग्रेडिएंट्स को यूज़ करके आप बनाएंगे, कोई आपको बाज़ार से एक्स्ट्रा नहीं बाय करना पड़ेगा। इसके लिए सबसे पहले चाहिए रोज़ वाटर, जो कि हर घर में मौजूद होता है। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे लेमन जूस, हाफ लेमन मैं यहाँ पे स्क्वीज़ कर रही हूँ। लेमन में एंटी ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं, और इसमें विटामिन सी पाया जाता है जो हमारी स्किन को लाइटन अप करता है, ब्राइट करता है, और हमारी स्किन पे एक ग्लो भी देता है। अगर आप अपने हाथों पाँव को वाइट और ब्राइट करना चाहते हैं तो ये बेस्ट इंग्रेडिएंट है इसके लिए। नेक्स्ट इसमें मैं ऐड करूँगी ग्लिसरीन, जो हमारे हाथों और पाँव को सॉफ्ट करेगी। अगर आपकी हील्स क्रैक्ड हैं तो आप हील्स पे भी इसको अप्लाई कर सकते हैं, उससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। इसको आप अच्छी तरह से मिक्स करके किसी भी स्प्रे बॉटल में स्टोर करके रख लें। अब इसको लगाने का तरीका मैं आपको बताती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ, अगर आपके हाथों या पाँव पे कोई कट वगैरह है या कोई दाना वगैरह बना हुआ है तो आपने इसको अवॉइड करना है, तब आपने नहीं अप्लाई करना। पहले उसको ठीक हो जाने दें, फिर अप्लाई कीजिएगा, अदरवाइज़ आपको कोई इन्फेक्शन वगैरह हो सकता है। इसको लगाने का तरीका मैं आपको बताती हूँ। रात को सोने से पहले आपने इसको अपने हाथों और पाँव पे अप्लाई करना है। जब आप काम सारे ख़त्म करके फारिग हो जाएं तो आपने तब इसको अप्लाई करना है, और लगा के आप सारी रात के लिए छोड़ दें। ओवरनाइट आपने इसको लगाना है, और फिर उसके बाद जो है आप नेक्स्ट डे अपने हैंड एंड फीट को अच्छी तरह से वॉश कर लें। इस टोनर को आपने डेली अपने हैंड एंड फीट पर यूज़ करना है, और इसको आप रेफ्रिजरेटर में स्टोर भी करके रख सकते हैं। ये हमारी आज की वीडियो, आई होप आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और अपना फीडबैक मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।